इंदौर शहर में अपराधी अपने अलग अलग शातिर अंदाज में लोगों के साथ धोखाधड़ी करने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों काफी संख्या में पीड़ित लोगों ने बाणगंगा पुलिस को एक शिकायत आवेदन देकर अपनी पीड़ा को पुलिस के समक्ष रखा था, जहां आरोपी पिता पुत्र ने फंड के नाम पर सभी से अलग अलग राशि में तकरीबन 1,24,00,000 की राशि ले ली थी और भाग निकले थे। आरोपी ने सभी को पैसे का दुगुना लौटाने का हवाला देते हुए फ्रॉड किया था। इंदौर से सतीश शर्मा के साथ इंदौर ब्यूरो राकेश सच्चर की रिपोर्ट। हाँ, दो उसमें प्रकरण कायम हुआ 420-434 का। उसमें राम मिलन सिंह है और उनका बेटा शैलेंद्र। इन लोगों ने लोगों से चिटफंड के नाम पे पैसा लिया करीब 1,20,25,00,000 रुपए, और उसको उन्होंने फिर उसका गबन जैसा कर दिया, उनको लौटाया नहीं पैसा उनका। तो परेशान थे उस करीब 15-20 लोग उसमें पीड़ित हैं, तो उसमें मुकदमा कायम किया गया। दोनों बाप बेटे को दोनों को गिरफ्तार करके ले गए। सर, किस तरीके का प्रलोभन देते थे ये दोनों? पैसा डबल करके देंगे एक अवधि में। तो लोगों को लगता था कि अब बैंक में 8 साल में हो रहा है, तो यहाँ 2 साल में हो रहा है, 1.5 साल में हो रहा है। ऐसे लोग लगाते गए, कुछ समय तक उनको पैसा दिया भी, कुछ लोगों का लौटाया भी, फिर उन्होंने लाभ की आशंका अपेक्षा में फिर जमा कर दिए पैसे। ऐसा चलता रहा। सर, ऐसा अपराध कहीं पहले भी कर चुके थे? अब पहले किया ये तो प्रकाश में नहीं आया था, क्योंकि उन्होंने यही किया था अपराध, तो इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया था। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।